बिहार में सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। 2021 के आगाज के साथ ही नीतीश ने कहा कि उनके सामने किसी प्रकार का कोई सियासी संकट नहीं है। बता दें कि विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरफ से लगातार नए साल में बिहार में सत्ता परिवर्तन होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में नीतीश का बयान काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या नए साल में उनके सामने किसी प्रकार का कोई सियासी संकट है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई सियासी संकट नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में कई आरजेडी नेताओं ने भविष्यवाणी की थी कि 14 जनवरी के बाद बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल सकता है और महागठबंधन सत्ता में आ सकता है। आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया था कि वो बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए और खुद 2024 में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाए। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता श्याम रजक ने दावा किया था कि जल्द ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में फूट होगी और उनके 17 विधायक आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी ऐसा ही दावा किया था। ऐसे में इन्हीं सब बयानों के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि नए साल में उनके सामने किसी प्रकार का कोई सियासी संकट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN 9 न्यूज़।